पाकिस्तान में भी है। मैं आपके माध्यम से ओबीसी साहब और सबको जो डर लगता है उनको कहता हूं, पाकिस्तान जैसे राज्य ने कर दिया है, चीन ने किया है, इजराइल ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, ये सब ने किया है माननीय। और मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं माननीय, इंडियन मुजाहिदीन आईएम का जो आतंकवादी था यासीन भटकल, उसको इंडियन मुजाहिदीन को एनआईए ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया। अब ये यासीन भटकल कलकत्ता के किसी जेल में पड़े रहे, वांटेड थे, अलग नाम कर दिया, कुछ अलग प्रकार से काम कर दे रहे, वो पता क्यों नहीं चला, क्योंकि वहां कोर्ट में पेश भी हुए, छूट भी गए, पता क्यों नहीं चला, क्योंकि यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। अगर आतंकवादी घोषित करते तो हर पुलिस स्टेशन में उनका डोसियर होता, फोटो होता, फिंगरप्रिंट्स होते और वो धर लिए जाते, अगर किया होता तो 12 बम धमाके बच जाते। माननीय, आतंकवादी जो घोषित करने की प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी सावधानियां रखी गई है कि इसका उपयोग दुरुपयोग न हो, परंतु उपयोग हो, इसके लिए हम ये लेकर आए हैं। माननीय, मैं मानता हूं कि ये जमाना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दुनिया के सामने उनको खुला करने की, उजागर करने की जरूरत है। इसलिए मैं प्रावधान लेकर माननीय इस सम्मानित सदन के सामने आया हूं।